मौजूदा सरकार के जो भ्रष्ट आचरण हैं उसको राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है। और ये करना कि आपको हम लोकसभा में भी बैठने देंगे, आपको हम लोकसभा में बात नहीं रखने देंगे, और ये जो है बहुत ही खतरनाक खेल इस देश में खेला जा रहा है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बग्गा। आज उन्ना मुख्यालय पर स्थित एमसी पार्क में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज तक आजाद भारत में इस प्रकार का कार्य कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता को रद्द किए जाने पर इसे लोकतंत्र की हत्या करना है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता का यह प्रकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। अडानी पर राहुल गांधी द्वारा किए गए भाषण ने इन सभी मुद्दों को जन्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए जिनका जवाब वह नहीं दे सके, जिसके बाद ये मुद्दा सामने आया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी व अडानी का क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही ने देश को बर्बाद की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए उन्ना से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र में काला इतिहास लिखा जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक परिदृश्य से हटाने के लिए जो है जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको देखते हुए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई और सारा विश्व देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हो क्या रहा है। और कसूर ये है कि मौजूदा सरकार के जो भ्रष्ट आचरण हैं उसको राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है। और ये करना कि आपको हम लोकसभा में भी बैठने देंगे, आपको हम लोकसभा में बात नहीं रखने देंगे, और ये जो है बहुत ही खतरनाक खेल इस देश में खेला जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसका डट के मुकाबला करेगी और संसद से लेके सड़क तक हर जगह जो है इसके खिलाफ संघर्ष होगा। और उसी के चलते आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी जी एक विचारधारा है, एक पार्टी की विचारधारा है और उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने कि इस देश के लिए एकता और अखंडता बचाए रखने के लिए दो दो बलिदान दिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, श्री राजीव गांधी जी ने अपना सब कुछ जो है इस देश पे निछावर कर दिया। उस परिवार के व्यक्ति बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।